वेलकम टू माय चैनल प्रोफिट एंड लॉस में स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे टाटा पावर के बारे में। जैसे कि यहाँ पर मैंने शेयर ओपन किया टाटा पावर, जो उसका लास्ट डे जो क्लोजिंग प्राइस था वो हमारे पास ये था 87 रुपये 45 पैसे। जब यहाँ पर हम चेक करेंगे तो हमें पता लगेगा जो शेयर का ओपनिंग प्राइस था वो 91 रुपये 45 पैसे था, हाई गया था 91 रुपये 65 पैसे और लो गया था 85 रुपये। ये हमारे शेयर का पूरा चार्ट आ गया है जो उसके लास्ट डे प्राइस था। अब इसे हम NSE की वेबसाइट पर चेक करते हैं इसमें ट्रेड वॉल्यूम कितना था। जैसे यहाँ पर हमने जब टाटा पावर इसमें यहाँ लिखा है तो यहाँ पर हमारे पास शेयर की डिटेल आई है, जो उस पर शेयर ट्रेड वॉल्यूम था वो करीब 9 करोड़ शेयर ट्रेड हुए थे इसके ऊपर सेम डे, तो काफ़ी अच्छा वॉल्यूम है। और आने टाइम में इसमें थोड़ी और हमें हाई लेवल देखने को मिलेंगे। चलो हम यहाँ चेक करते हैं, यहाँ पर टिकर टाइप साइट पे आए हैं। यहाँ पर जो हमने यहाँ टाटा पावर जैसे ही हमने यहाँ टाइप किया है तो यहाँ पर हमारी रिपोर्ट आई है, जो एनालाइज़र की रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग 83% एनालाइज़र कह रहे हैं कि इसमें हमें बाइंग करना चाहिए। इसके लिए हम चलो फाइनेंशियल पे आते हैं। फाइनेंशियल में जो हमारे पास यहाँ पर हमारे पास डाटा आ रहा है, जैसे कि हमें देखने को मिल रहा है इसका रिवेन्यू है थोड़ा कम हुआ था वो भी 2020 में, फाइनेंशियल 2020 में, और जो नेट इनकम है नेट इनकम में भी थोड़ी कमी आई थी, पर ओवरऑल सब कुछ ठीक है, वो इतना बुरा नहीं है इनका। हम शेयर होल्डिंग पैटर्न पे आते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न के हमें यहाँ दिख रहा है कि टोटल प्रमोटर होल्डिंग हमारे पे 46% है, म्यूचुअल फंड की होल्डिंग इस शेयर के अंदर करीब 11.3% लोगों ने बना रख म्यूचुअल फंड ने बना रखी है, और अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की भी बहुत अच्छी होल्डिंग है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन की बहुत अच्छी होल्डिंग है। तो एज़ फॉर कंपेयर अगर कोई से पोजिशन बना जाता है लॉन्ग टर्म के ऊपर तो वो बना सकता है, पर वो उसका थोड़ा प्रॉफिट एंड लॉस को मद्देनजर रखे और एक निश्चिंत मतलब थोड़ा प्रॉफिट ले और इससे बाहर निकल जाए, 10 से 20% रिटर्न लेके बाहर निकल जाए आने वाले टाइम में बस। और यहाँ इस शेयर को पहले एक बार टेक्निकल देख लेते हैं। जैसे कि टेक्निकल में यहाँ पर आया है, हम यहाँ देखेंगे जो लगातार इस पर सेलिंग प्रेशर भी है, पर हम जब एक घंटे की कैंडल स्टिक पर जाते हैं तब भी आप देखोगे, और 5 घंटे पर भी और 1 दिन के ऊपर भी आप यहाँ पर आपको पता लगेगा कि इस पर अभी भी सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है, मतलब इस शेयर में और भी करेक्शन होने की संभावना है। चलो हम चार्ट पे एक बार देख लेते हैं। जैसे चार्ट पे हम इसको फुल स्क्रीन चार्ट करते हैं, जैसे यहाँ पर हम टाटा पावर का 1 घंटे की कैंडलस्टिक है इसमें, और इसमें जो हमारे पास जो सबसे लेवल आ रहा है हमारे पास वो हमें इस लेवल को मेंटेन कर रखना है, जो लेवल हमारे पास यहाँ पर है करीब 84 रुपये, करीब 84 रुपये ही हमारा स्टॉप लॉस बनेगा, और जो हमारा लेवल ब्रेक होएगा अगर इस से ने आने वाले टाइम में 90 रुपये को ब्रेक करा ना तो आगे 95 रुपये तक जा सकता है, पर एक स्ट्रॉन्ग पर और उससे पहले कोई भी इसमें पोजीशन ना बनाए, क्योंकि ये एक स्टॉप लॉस है 84 रुपये का, और रेजिस्टेंस जो इसमें आएगा करीब वो 90 रुपये 91 रुपये। लास्ट टाइम भी जो आपने देखा होगा ये इस लेवल को क्रॉस तो करा था पर वो दोबारा इसमें करेक्शन होगी, इसको इस पर सस्टेन नहीं रह पाया इस लेवल के ऊपर, तो हमें ये लेवल एक मेंटेन करके रखना है। और कोई भी इसमें नई पोजीशन बना रहा है तो अभी थोड़ा वो वॉच करे, इसे वॉच लिस्ट में रखे, पर पोजीशन ना बनाए जो मेरा पर्सनल इसके ऊपर जो कहना है, और इस लेवल को ध्यान रखे। अगर किसी ने इसमें होल्डिंग बना रखी है तो वो अगर उसकी होल्डिंग नीचे की है, सपोज़ करो कि बीच में कहीं 70 या 75 रुपये की बनाई है, वो थोड़ा
अगर वो इस पे ध्यान रखे 84, अगर उसने ये लेवल तोड़ा तो अपना प्रॉफिट बुक कर ले वो,